अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इस बार पहले से ही कई महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज देख रहे सत्येंद्र जैन को शहरी विकास जैसे अहम विभाग का मंत्री बनाया गया। ये विभाग पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए शहरी विकास विभाग इसलिए मायने रखता है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास से लेकर उन्हें नियमित करने, एमसीडी को समय समय पर निर्देश देने का जिम्मा भी इसी विभाग के पास है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इसी विभाग में केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गौरतलब है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब सत्येंद्र जैन को दिल्ली के हिसाब से अहम परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब परिवहन का जिम्मा गोपाल राय के पास था। परिवहन विभाग में प्रीमियम बसों को लेकर हंगामा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोपाल राय से विभाग लेकर जैन को थमा दिया। वैसे तो मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल भी बेवजह नहीं होता, खासकर केजरीवाल सरकार में तो फैसले कई वजहों को तोल मोल करके ही लिए जाने का इतिहास रहा है। ये बात तो गोपाल राय से परिवहन विभाग लेने के बाद ही साफ हो गई थी कि दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया के बाद अगर कद किसी मंत्री का है तो वो सत्येंद्र जैन है, क्योंकि स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, गृह, ऊर्जा जैसे कई हाई प्रोफाइल महकमे उनके पास पहले से ही थे। जाहिर तौर पर जैन के पहले से करने को बहुत काम थे, वहीं अब परिवहन और शहरी विकास विभाग देने का मतलब साफ है कि वो केजरीवाल के नजदीकी और भरोसेमंद बन गए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।